यार अब मैंने खाना पीना कम कर देना है हाँ। और कोशिश मैं करूंगी कि यार कम से कम खाऊं। हाँ। अब उस कम से कम खाने के अंदर आपको बेबी तो आपका आपको रिक्वायरमेंट है तो यू स्टार्ट फीलिंग वेरी लो। आपको एकदम से यू यू फील दैट योर बॉडी इज पुलिंग यू डाउन स्पेशली आफ्टर यू ब्रेस्ट फीड। तो वो वैसे ही आपका कम हो रहा होता है। उसके बाद फिर जब आप बिंजिंग के उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं तो फ्रिज खोला आपने, चॉकलेट्स पड़ी हुई वो निकाल के खा ली, कुछ भी जो इंस्टेंट एनर्जी जो देता है ना जिसमें शुगरी आइटम्स बहुत होते हैं, तो वो जो लो फीलिंग को कंपनसेट करने के लिए आप यू स्टार्ट ईटिंग दैट यू एंड अप गेनिंग। इसमें मैं कमेंट करूंगी, अगर लैक्टेटिंग मदर है उनकी कैलोरी वाइज 3500 होना चाहिए। अगर उसमें से ये 500 डिडक्ट करती हैं शी विल लूज अराउंड 1 kg to 2 lbs इन 1 week। ठीक है, दैट स्टैंडर्डाइज। उसमें आप फुल मील ले रही हैं, ब्रेकफास्ट में जूसेस भी ले रही हैं, मिल्क भी है हाफ, सीरियल्स भी है, ब्रान भी है, 2 egg whites भी है। नाउ इंटरवल वुड बी लाइक एप्पल और ग्रीन वेजीज। नाउ ग्रीन वेजीज बोलें तो सब यहाँ पे शक्लें बनाते हैं, ओ माय गॉड ग्रीन वेजीज कौन खाएगा। बट यू कैन हैव स्प्राउट्स और यू कैन हैव ब्रोकली, यू कैन हैव इवन पालक, लाइक सम पीपल मेक इट इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म। वो 11 या 12 o'clock पे ले सकते हैं एंड देन 1, 1:30 बिकॉज हम ह्यूमन वी आर लाइक अ क्लॉक। हमारी जो क्लॉक है वो चलती रहती है सुबह 7 बजे से एंड इट शट्स डाउन बाई द एंड ऑफ द डे विच इज 8। एग्जैक्टली, सो 6 o'clock यू हैव टू हैव अ फ्रूट इंड्यूसमेंट डन। 8 o'clock should be your last meal and in between 8 to 12 glasses of water, that's the must। ठीक है, ओके, हमें एक आइडियल वो पता चल गई, लेकिन फिर भी हम जो बार बार कह रहे हैं कि जी अपनी मील्स की फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा कर लें और जो उसकी क्या कहेंगे क्वांटिटी है वो कम कर लें। ठीक है, हम एक कॉल लेते हैं और कॉल के बाद इस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी, जो अभी कुछ देर पहले कॉल आई थी कि जी वो पानी भूखा पानी सोचे जरा बंदी और ही किसी चीज में बिल्कुल एंड अप ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद साहब, दिस इज नुसरत। जी जी नुसरत, क्या हाल चाल है? आई एम फाइन, आप ठीक हैं? सॉरी, प्लीज मुझे आपसे ये पूछना था जी कि ये जो प्रॉब्लम सब आप बता रहे हैं ये तो ठीक है नॉर्मल है, लेकिन एक हार्मोनल प्रॉब्लम भी है। हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी तो तीनों सिजेरियन है बट माय वेट वाज 55 kg, दैट इज बट अब 36 मेरी हिस्टेक्टमी हुई, मगर हिस्टेक्टमी ने मुझे 56 से 80 kg कर दिया। तो मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह अपना वेट लूज करूं। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, प्लीज कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करते हैं, लेकिन ये आपके जहन में कहाँ से आया? आपको किसी डॉक्टर ने कहा कि हिस्टेक्टमी के बाद आपका वेट गेन हुआ है? Sorry, I can't hear you. मैंने कहा आपको किसी डॉक्टर ने ये कहा, किसने कहा आपके जहन में? डॉक्टर्स ने कहा, मुझे हार्मोनल थेरेपी लेने के लिए भी कहा, लेकिन प्रॉब्लम फिर यही हुई मेरे साथ कि मुझे किसी ने डरा दिया कि इफ आई टेक हार्मोनल थेरेपी तो उससे फिर कहीं और का कैंसर का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा। यू नो, जब आप एक चीज में फंसते हैं तो फिर एक प्रॉब्लम आपको होता है कि जी कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। दिस थिंग जस्ट आई डोंट नो, मैं अब कहाँ जाके पहुँच गई हूँ। फ्रॉम 55 to 80, दिस इज टू मच फॉर मी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? आई एम 40 years। और हिस्टेक्टमी हुए हुए कितना अर्सा हो गया? 2006 में हुई थी। अच्छा, ओके, तो थैंक यू सो मच। देखिए, हिस्टेक्टमी या कोई भी सर्जरी जो है ना वो वेट गेन करने की वजह नहीं होती। अगर इनके पहले 3 सिजेरियंस हुए थे और उसके बाद इन्होंने अपना वेट मेंटेन करके रखा था तो हिस्टेक्टमी के बाद भी देयर इज नो रीजन कि इनका वेट जो है इस तरह बढ़ना चाहिए। हार्मोनल प्रोबेबली इन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए कहा गया होगा हिस्टेक्टमी के बाद, जिसके लिए कह रही है ना कि डर गई कि कैंसर हो जाता है और इन्होंने फिर नहीं ली। लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जहां जरूरत है और जहां पेशेंट को सिम्टम्स है वहां दिया जा सकता है, लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट अगर ये नहीं ले रही है तो उसकी वजह से वेट नहीं बढ़ता, मतलब इट इज नॉट अ रीजन फॉर वेट गेन। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ अक्सर ये मिथ है या आप ये कह लीजिए अजीब सी बात है कि सारी के सारा जो एलिगेशन है वो बेचारे हार्मोन पे आ जाता है, सबका इल्जाम हार्मोन पे चला जाता है कि क्या करें मैं मोटी हूँ, हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम अगर है भी तो एक कुछ आप ले रही हैं कोई इस मेडिसिन की वजह से हार्डली आपका 2 से 4 kg बढ़ सकता है, इससे ज्यादा डॉक्टर साहब आप बताएं मुझे बढ़ते हुए
नहीं बढ़ना चाहिए ना, जैसे ये कह रही है इन्होंने तो हार्मोन रिप्लेसमेंट लिया भी नहीं है ना, हार्मोन रिप्लेसमेंट ना लेने की वजह से इन्हें किसी ने कहा है कि इनका वेट बढ़ा है, इस तरह नहीं होता। वेट गेन यूजुअली दूसरी अगर कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म विद एज बहुत कॉमन है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है चांसेस बढ़ते जाते हैं कि ये डेवलप हो जाएगा और उसकी वजह से हाँ वेट लूज करना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट्स को मैंने खुद एक्सरसाइज के जरिए और डाइट के जरिए और मेडिसिन के जरिए अपना वेट मेंटेन करते देखा है। हाँ तो हो सकता है इनका डायग्नोस नहीं हुआ हुआ ना, ये एक ही डायरेक्शन में अगर इनको सिर्फ हार्मोन रिप्लेसमेंट पर ही ये सोच रहे हैं, हो सकता है इनके दूसरे हार्मोनल इवेल्यूएशन नहीं हुए हुए हों। तो उसको अगर 3 सिजेरियन के बाद ये 56 थी तो 4 साल के अंदर इन्हें 80 नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। प्रॉबेबली कुछ थोड़ा सा फॉल्ट इनका अपना भी है, राइट। क्या तो उसके बाद ये डिप्रेस हो गई हैं हिस्टेक्टिमी के बाद, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो साइकोलॉजिकली उसको नहीं फेस कर पाते हैं, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो जैसे बिंज ईटिंग जो है वो बढ़ जाती है, प्रॉब्लम उसकी वजह से वेट गेन हुआ है। बट आई थिंक इतना स्टार्क वेट गेन इज नॉट नॉर्मल, देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग विद हर, कि अगर 3 C-section भी हुए उनके और उनका वेट नहीं बढ़ा और उन 3 C-sections के बाद 4 साल में शी गेन लाइक मैसिवली, तो समथिंग within her body is not right. Actually ये होता ये कि lot of women up here वो ये कहती हैं कि carbs overload, कि आप high protein कर लें उससे आपका weight जाता है। तो lot of people what they do consumption जो होती है 2500 calories के normal होना चाहिए, they overload carbs करते हैं 35 to 4000 calories और उनको वो calories बाद में subordinate नहीं करने आती, balanced करने नहीं आती। तो जब आप high protein पे होंगे जैसे आप छोड़ेंगे it shoots up, so what you have to do you have to give your body to breathe again one more time, 1 month high carbs पे तो जाना ही नहीं चाहिए after, उसके बाद आप यो डाइट भी नहीं, यहाँ पे काफी लोग फॉलो करते हैं, दैट्स अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन कि यो डाइट कर लें, यू लूज लॉट ऑफ वेट इनिशियल स्टेप। अगर जैसे मैंने पहले बताया कि 3500 कैलोरीज है उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन करें तो यू डू लूज अ लॉट ऑफ लाइक 2 pounds और 1 kilo। लेकिन ये डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आप ना भी चेकआउट करें, कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी वजह से कुछ आपका इसमें अपना फॉल्ट भी हो, लेकिन इतना मैसिव वेट भी हुआ है तो हो सकता है थायराइड वगैरह का भी टेस्ट कराएं कि आप के साथ प्रॉब्लम दूसरी हो कोई और आप समझ रही हो कि ये HRT वगैरह की वजह से, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपने नहीं ली इस वजह से, अदरवाइज वो थेरेपी ना लेने से आपका वेट बढ़ नहीं सकता, राइट। और आखिर में जाते जाते मुझे तीनों पैनल जरूर ये बता दें कि भाई डिलीवरी के बाद ये जो हम आए और ये जो अभी मैं आया था इसको प्लीज ब्रेक करें, यहाँ खुदा के वास्ते ये पानी ना पीना, लेबर रूम से निकले पानी ना पीना, अभी ठंडा पानी नहीं पीना, क्यों? पानी तो इज आपकी बॉडी एनी वेज रिक्वायर इज 50% वाटर, तो व्हेन योर बॉडी इज वाटर और आप जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं तो वैसे ही आपकी वाटर कंजम्पशन कम हो रही होती है, सो फॉर द बेबी सेक, ताकि आप कॉन्स्टेंटली मिल्क प्रोड्यूस करें फॉर योर ओन सेल्फ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पानी पिएं, ठीक है। अगर आपको ये वो बड़ा बड़ा वो कहते हैं ना कि जब बड़े बूढ़े अपने पिछले 3 या 4 जेनरेशन की वजनी वो क्या सपोर्ट देते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप ठंडा पानी ना पें बट हैव वाटर। डॉक्टर साहब ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए डिलीवरी के बाद? फर्क नहीं पड़ता, बहुत दफा वो पेशेंट्स और उनके साथ ना उनके वो अटेंडेंट भी बैठे होते हैं जो मना कर रहे होते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ आपने पिया था पानी, फिर वो कहते नहीं पिया था बट दे स्टिल हैव अ बिग टमी, तो मैं उनसे कहती हूँ देखिए आपने तो नहीं पिया था ना बट स्टिल यू हैव इट, अभी भी है ना, तो फिर उसको पी लेने दें। नहीं पानी नहीं पीते उसकी वजह से उन्हें फिर बहुत प्रॉब्लम होते हैं, चक्कर बहुत आते हैं बाद में, फिर वो वीकनेस लेथार्जी वो सब UTI कमर में दर्द वो सलसल रहेगा और आप कहेंगे वैसे कमर में दर्द है पानी ना पियो बस, तो पानी आप जितने फ्लूइड ले सकती हैं जरूर लें, आपकी बॉडी के लिए अच्छे। और आज के बाद जो आपने कॉल की थी ना 20 दिन हो गए पानी नहीं पी रही कम पी रही हूँ, खुदा रा खौफ करें अपनी बॉडी के साथ क्या कर रही हैं आप, कोई भी डाइट मना नहीं है, दे कैन ईट एवरीथिंग, दे कैन ईट अ बैलेंस डाइट, सब कुछ ले सकते हैं, किसी चीज पे पाबंदी नहीं है डिलीवरी के बाद कि ये बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल पाबंदी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम श्योर आज आपके बहुत सारे मिथ टूटे होंगे और आप बेहतर तरीके से अब रहने की कोशिश करेंगी और इनकी जो लोगों ने बताई है उनकी बातों को सुनकर उन पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सुनते बड़ी अच्छी तरह से हैं, कौम बड़ी अच्छे सुनने वाली है लेकिन जब अमल का टाइम आता है तो हम भाग पड़ते हैं, इसलिए अप्लाई कीजिए इसे अपनी जिंदगी पर भी। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं फाखिर के साथ।